प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां पर अमरीकी राष्ट्रपति ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप ने जनता को संबोधित किया और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को भारत का सबसे अच्छा दोस्त बतलाया और कहा कि पीएम मोदी एक सच्चे चैंपियन हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये भी कहना था कि भारत और अमेरिका डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम भारत को जल्द ही सबसे खतरनाक मिसाइल और हथियार देंगे। अमेरिका भारत दोनों एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद को खत्म करना होगा। The United States and India are committed to working together to stop terrorists and to fight their ideology. For this reason, since taking office, my administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants that operate on the Pakistani border. जब ट्रंप भारत और पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे, उसी दौरान वह अचानक रुके और पीएम मोदी से हाथ मिलाने लगे। When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप मिलेनिया की तारीफ की और अमेरिका को सच्चा साथी बतलाया। पीएम बोले कि दो देशों के संबंधों का सबसे बड़ा आधार विश्वास ही होता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। भारत और अमेरिका के बीच विश्वास जिस नई ऊंचाई पर पहुंचा है, जितना मजबूत हुआ है, वह ऐतिहासिक है। अमेरिका की अपनी यात्राओं में मैंने इस विश्वास को दिनों दिन मजबूत होते देखा है। मुझे याद है जब मैं वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से पहली बार मिला था, तो उन्होंने मुझे कहा था, इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन द व्हाइट हाउस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते कहकर की। ट्रंप ने साथ ही कहा कि भारत आना उनके लिए गर्व की बात है और उनके दोस्त नरेंद्र मोदी एक चैंपियन है जो भारत को लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं।